सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। तो भूकंप कितना बड़ा खतरा है, क्या खतरे की जो आशंका है उसको लेकर हम उतने तैयार हैं, या फिर इस खतरे को लेकर किसी तरीके से कुछ पहले संकेत मिल सकते हैं, चर्चा करेंगे। दोनों बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर तेजपाल सिंह सदस्य हैं सीएसआईआर सीएसआईओ चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और हमारे साथ जुड़े हैं महेंद्र मीना जो एनडीएमए के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और आईआईटी बॉम्बे से सिविल स्ट्रक्चर में ग्रेजुएट हैं, भूकंप विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तेजपाल सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो आशंका जो बनी हुई है, जो स्थिति है, जो हम थोड़े बार बार थोड़े दिन में ये भूकंप के झटके देख रहे हैं, भविष्यवाणी कोई हो सकती है, या फिर क्या मानकर चलें कि ऐसा लग रहा है कि उत्तर भारत में कोई बड़ा झटका आ सकता है? नहीं, हिमालयन रीजन में अर्थक्वेक्स की बड़ी पुरानी हिस्ट्री रही है और हम अर्थक्वेक्स एक्चुअली ऑन एंड ऑफ देखते ही रहते हैं, पर हम ये कहें कि उसकी फोरकास्टिंग तो अभी हम उससे बहुत दूर हैं, और आज की डेट पे उसकी पॉसिबिलिटी को बिल्कुल सीधे तरीके से नकारा जा सकता है। लेकिन हाँ, हिमालयन जोन में बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पर अर्थक्वेक अब ओवरड्यू हो चुके हैं। इसके एग्जाम्पल्स के तौर पर एक नेपाल का रीजन था जिसको हम 2001 से जानते हैं कि वहाँ पे अर्थक्वेक्स पेंडिंग था, और वी गॉट दैट इवेंट 2015 में फाइनली अर्थक्वेक आया जी। तो ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। कांगड़ा का एरिया बहुत पर्टिकुलरली मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि 1905 में एक बड़ा अर्थक्वेक आया था, एक मेजर इवेंट हुआ था 1905 में, और आज 100 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं उस बात को। तो जो डेटा है, जो मतलब आंकलन है, वो ये कहता है कि वो रीजन ऑलरेडी राइप है, मीन्स इट इज वेरी मच रेडी कि नेक्स्ट फॉर अ नेक्स्ट बिग अर्थक्वेक बेसिकली। कश्मीर का एरिया है, मतलब बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। एक सेंट्रल हिमालयन गैप है जो लाई करता है उत्तराखंड नेपाल के, मतलब उत्तराखंड देहरादून से लेकर नेपाल के बीच वाले रीजन में, उस रीजन में अर्थक्वेक्स इतने फ्रीक्वेंटली नहीं देखे गए हैं पिछले 100-150 सालों में। इनफैक्ट अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो एरिया भी ऐसा है जो अर्थक्वेक के लिए वल्नरेबल है। बट सीधे तरीके से फोरकास्ट करना आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। फोरकास्टिंग इस रेंज में हो सकती है कि हाँ, हम नेक्स्ट 5 साल में 10 साल में अर्थक्वेक एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी। सर, मैं आपके पास लौटूंगा। महेंद्र मीना जी, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ा बुनियादी सा सवाल है क्योंकि आप एनडीएमए से जुड़े हुए हैं, ये जो आपदा जब आती है इसको लेकर, जैसा कि अभी तेजपाल जी ने बताया कि अभी हम उस स्थिति में नहीं है कि फोरकास्ट कर पाए, तो ऐसे में लोग करें क्या? देखिए, ऐसी सिचुएशन में क्या है कि हमारा पहले अर्थक्वेक जोन देख लेते हैं हम, कि अर्थक्वेक जोन है जो 4 जोन में डिवाइडेड है, 4 जोन में बांटा गया है, जोन 5, जोन 4, 3 एंड 2। जोन 5 में हमारा 11% एरिया आता है, और जोन 4 में करीब 17-18% एरिया आता है जी, और जोन 3 में 30%, और बाकी का एरिया जो है वो जोन 2 में आता है। तो ये जोन वाइज जो है, ये अर्थक्वेक जोखिम भरा है तो जोन 5 सबसे ज़्यादा जोखिम भरा है। तो ऐसे केस में क्या है कि वहाँ के लोग, आपने एक तो भूकंप के पहले क्या कर सकते हैं, जब हम घर बना रहे हैं तो घर हम ये इंश्योर कर लें कि वो भूकंप रोधी हम मकान बना रहे हैं, कि जहाँ पे जो ऐसी जगह पर नहीं बना रहे हैं जैसे कि फ्लड प्लेन एरिया है, सॉफ्ट सोइल है, ऐसी जगह पर ना बनाएं। और दूसरा, जब भी घर बनाएं तो इंजीनियर से कंसल्ट कर लें, जो भी जब जहाँ पे भी हम बना रहे हैं उसके पहले, कि हमको भाई इस टाइप का घर बनाना है, और उसके लिए इंजीनियर से कंसल्ट करें कि इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए जी। तो वो आप वो सारी डिटेल बता सकते हैं कि कैसे आपको स्ट्रक्चर बनाना है, आपको किस टाइप का बनाना है, जैसे आपको RCC बनाना, मेसनरी बनाना है, तो वो सारी डिटेल आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर बता देगा, और उसके लिए आपको एडिशनल कॉस्ट वगैरह ज़्यादा नहीं लगता है। हमारे ये मन में एक भ्रम होता है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो आप एक बार बताओगे कि मुझे इतना रिक्वायरमेंट है, ये एरिया है, ऐसे हैं, तो आपको
जो अर्थ के जो इंजीनियर इंजीनियर है वो सारी डिटेल आपको डिजाइन ड्राइंग के साथ में सारा वो बता देंगे। उससे क्या है कि आपको ज़्यादा जोखिम नहीं होगा। देखिए भूकंप आता है तो भूकंप एज सच भूकंप से लोगों की मानहानि जनहानि नहीं होती है, लोग मरते नहीं है भूकंप से एज सच। वो क्या होता है कि जब बिल्डिंग आप नहीं बना रहे हो ठीक से, तो बिल्डिंग में डैमेज होता है, बिल्डिंग गिरती है, उससे होता है। तो एक स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट होता है, एक नॉन स्ट्रक्चरल होता है, जो खुद अपने जो घर है होम ओनर है वो खुद ले सकते हैं। जैसे कि आपकी अलमीरा है या फिर ऐसे लूज आइटम है वो आप ऐसे ना रखें, अलमीरा है उसको फिक्स करके रखें, बेड के पास में ना रखें, दूर रख सकते हैं और उसको फिक्स कर सकते हैं आप अच्छे से, ताकि अगर भूकंप के झटके आए थोड़ा सा हिलता है तो वो फिक्स रहे। तो ऐसी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है। आप भूकंप के पहले सारी चीज़ें ऐसे कि घर बना रहे हो तो उस टाइप में देख के बनाएं, अर्थक्वेक इंजीनियर एक्सपर्ट से उनसे आप जानकारी ले लें, और उसके बाद में क्या कर सकते हैं, आप जैसे घर में भी रह रहे हो तो भूकंप के दौरान आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो आप भूकंप के दौरान आप घर में हो तो आप ऐसी जगह पर खड़े न रहे जहाँ पे आपको खतरा है कि वहाँ पे कुछ ऐसा आइटम है जो फॉलिंग आइटम है जो ऊपर से गिर सकते हैं, उनसे आप बच के रहें। जैसे और कोने में जाके खड़े हो जाएं, अपने सर को ढक लें, इस टाइप की चीज़ें हैं जो आप एहतियात बरत सकते हो भूकंप के दौरान। अब भूकंप के बाद क्या है कि मान लो एक साथ जैसे बहुत सारा कहीं पे डेब्री हो गया कुछ ऐसे हैं, तो वहाँ पे एक साथ इकट्ठा ना हो, क्योंकि उससे क्या है कि जैसे इंजर्ड पर्सन है उनकी हेल्प के लिए रेस्क्यू के लिए आ रहा है, जब तक आपको बुलाया नहीं जाए तब तक बहुत सारा ऐसा वो ना करें और ज़्यादा पैनिक ना फैलाएं लोगों में कि इस टाइप का है, तो एक ओपन एरिया में जाके खड़े रहें। तो ये इस टाइप के ऐसी चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। पैनिक की सर सबसे बड़ा कॉज है, क्योंकि जाहिर सी बात है भूकंप का नाम सुनते ही जिस तरह की फीलिंग्स आती हैं, फिर जो महसूस करता है उसमें डर तो सबसे पहले लोगों में आता है। हाँ, तो उस डर से बचने के लिए वही है कि उसे उसके पहले सारी चीज़ें आप ठीक से जान लें कि अर्थक्वेक आता है तो ऐसे अर्थक्वेक से लोग नहीं मरते, भूकंप उससे मरते हैं कि जैसे बिल्डिंग डैमेज होता है उसकी वजह से कुछ डेबरी गिर गया कुछ ऐसे गिर गया तो उससे मरते हैं। तो आप ऐसी चीज़ों का पहले से ही ध्यान रखें। आप घर में रहते तो आपको पता रहेगा कि कहाँ पे कैसी चीज़ें जहाँ से सामान गिर सकते हैं या फिर ऐसे हैं, तो आप जैसे उस टाइम एलिवेटर का इस्तेमाल ना करें, और कहीं पर बाहर भी जा रहे हो तो ऐसे एरिया में ना रहें जहाँ पे पोल है जो इलेक्ट्रिकल पोल है, क्योंकि उनके गिरने की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप ऐसे जगह जाएं जहाँ पे बिल्कुल एक ओपन स्पेस में जाके खड़े रहें। तो पैनिक इतना नहीं, आप पहले से सारी चीज़ें एक बार जान लोगे तो आपको इतना पैनिक एक नहीं होगा, और उसके लिए आप तैयार रहोगे। आपको पता है कि आपने घर आपने बिल्कुल स्ट्रक्चर इंजीनियर से कंसल्ट करके ही बनाया है, तो आपको बिल्कुल पैनिक रहेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरी बिल्डिंग मेरे मकान है वो गिरेगा नहीं, तो उस टाइप का आप ले सकते हैं। तो महेंद्र जी आपने कहा कि चलिए अवेयरनेस है तो लोग बना भी रहे हैं, जिनके बने हुए हैं वो क्या करें? उनका ऐसा है कि वो सेफ्टी ऑडिट करवा सकते हैं। जैसे मान लो कुछ डिस्ट्रेस ऑलरेडी है तो उसमें कुछ डिफिशियंसी होंगी, तो उसका ऐसा है कि देखो सारे मकान ऐसे जरूरी नहीं है कि सारे मकान हैं वो सारे ही अभी भूकंप आएगा तो गिरेंगे। देखो उसकी ऐसा है कि आप उसके लिए पहले एक बार इंजीनियर से आप कंसल्ट करके उसको सेफ्टी ऑडिट करवा सकते हैं। अगर आपको कोई डिस्ट्रेस दिख रहा है, बिल्डिंग में क्रैक्स वगैरह दिख रहे हैं, विजिबल क्रैक्स हैं, तो आप उसको तुरंत सेफ्टी ऑडिट करवा सकते हैं। फिर आपको इंजीनियर आपको रेमेडी बता देंगे आप किसी लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप इंजीनियर जाकर कंसल्ट करोगे तो वो आपको ठीक से बता पाएंगे कि आप इसको किस टाइप से इसके रेमेडी क्या है। और बहुत सारे ऐसे अभी तो क्या है कि बहुत सारे लो कॉस्ट वाले आपको रेमेडीज बताए जा सकते हैं कि क्या क्या है आप जो कर सकते हैं। जी मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर तेजपाल, ये जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, जब हम देखते हैं कि रिक्टर स्केल पर 4 या 5 के भूकंप आते हैं, अफगानिस्तान में हिंदू कुश में जिस तरीके से हम अक्सर सुनते हैं कि वहाँ जो भूकंप था वो आया और उसके इतनी दूर जब वो आता है तो उसके झटके दिल्ली तक महसूस किए जाते हैं, ऐसे में जो हमारा हिमालयन रीजन है जिन इलाकों का आपने जिक्र किया, उस लिहाज से दिल्ली की बहुत दूर नहीं नजर आती है? नहीं, दिल्ली से दूरी का मतलब है कि यहाँ पर हमारा मेजर कंसर्न ये है कि किसी अर्थक्वेक के आने से उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि अर्थक्वेक अगर किसी ऐसे एरिया में आए, शायद आप मानिए कि एंटार्क्टिका में आ जाए या किसी ऐसे डेजर्ट पे आ जाए, उस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड बहुत हाई भी हो तो अगर उससे हमारा नुकसान नहीं है ना, उससे हमारे जान माल सुरक्षित रख सकते हैं, हम रह सकते हैं ऑफकोर्स, तो हमें उस अर्थक्वेक की ज़्यादा कंसर्न नहीं होगी। ऑल्टरनेटिवली अगर लो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स हाई पॉपुलेटेड एरिया में, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरियाज में आएंगे जहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत वल्नरेबल हैं, क्वालिटी बहुत पुअर है और हमारी इमरजेंसी सर्विसेज रिस्पॉन्ड करने में टाइम लेंगी, जैसा कि कश्मीर के अर्थक्वेक में स्पेसिफिकली हुआ था 2005 में कि उस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड तो कंपेरेबल था, वैसे अर्थक्वेक्स क्वाइट कॉमन है हिमालयाज में, पर जो सुरक्षा की या कहिए कि जिस तरह की वहाँ मतलब रहने की स्थिति थी लोगों की
और जो लॉजिस्टिक्स थी एजेंसीज, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, उनको वहाँ पहुँचने में जितनी कठिनाई हुई, जिस तरह के पॉलिटिकल उसमें वो एरियाज हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं इसमें, कि इससे बल्कि मतलब इफेक्ट होगा कि भाई अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना है। ऑफकोर्स ये एक बात बहुत कंसर्न की है, दिल्ली एक बहुत बड़ा मेट्रो है जहाँ पर बिल्डिंग्स की क्वालिटी बड़े डिफरेंट टाइप्स की है, और ज़्यादातर हमने जो ऑब्जर्व किया है कि जो लोअर मिडिल क्लास है या यूसी की जो ज़्यादा पॉपुलेशन है, उनकी रिहायशी हालतें बहुत ख़राब हैं, बिल्डिंग्स की क्वालिटी बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत ख़राब है। तो उस स्थिति में हम ये जानेंगे कि एक यूजुअल मैग्नीट्यूड जैसे 7 या 6 का अर्थक्वेक भी हो यहाँ पर, तो डैमेज एक हायर लेवल पर होगा, रादर देन कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि अगर 4 का अर्थक्वेक आए या उससे कम अर्थक्वेक आए, तो बेसिकली जो डैमेज है या जो पैनिक है वो इससे रिलेटेड है कि ह्यूमन परसेप्शन क्या है उस फिनोमेना की, हम उसको किस तरह से, किस नज़रिए से हम उसको देखते हैं। अगर वो हमें इम्पैक्ट नहीं करे तो शायद हम उसके बारे में केयर भी ना करें। जैसे अंडमान का एग्जांपल आप देखिए, वहां पर जब हम, हाँ जी बताइए प्लीज। जी 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 सर, रखें अपनी बात पूरी करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अंडमान जाने का भी मौका मिला पिछले कुछ सालों में, तो हमने वहां देखा कि वहां पर तो अर्थक्वेक कॉमन हो गए हैं 4-5 मैग्नीट्यूड के साथ, तो इट इज लाइक विद द ब्रेड एंड बटर, इट इज लाइक वहां लोगों को उन चीजों की आदत पड़ गई है। तो जब हम शुरू में गए तो हम फील करते थे कि हाँ अर्थक्वेक आया है, पर उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमने देखा कि उनने मतलब जो कल्चरली जो नॉलेज इवॉल्व हो गया है आइलैंड से, कि वो साइंटिफिक नॉलेज से उन लोगों ने प्रोग्रेस किया है, पर जिस तरह के मकान वगैरह वो बनाते हैं उस तरह से वो अर्थक्वेक में काफी ठीक है, इतना डैमेज नहीं होता वहाँ पे। पीछे जो अर्थक्वेक आया था 2004 में, जिसको भी अब 14 साल होते आए हैं, एक मेजर अर्थक्वेक था, बट वहां पर भी अगर आप देखें जो मेन डैमेज था वो अर्थक्वेक से नहीं हुआ था, जो डैमेज हुआ था वो सुनामी से हुआ था, तो वो एक अर्थक्वेक का मैनिफेस्टेशन था। तो इन जनरल वहां के लोगों की इवोल्यूशन इस तरह से हुई है कि दे अंडरस्टैंड कि अर्थक्वेक इज पार्ट ऑफ देयर लाइफ, सुनामी वॉज न्यू टू देम। सो हमारी परसेप्शन पर भी बहुत डिपेंड करता है, और धीरे धीरे ये परसेप्शन इवॉल्व करे जा रही है कि दिल्ली जो मेट्रो है वहां पर डैमेज की मतलब जो स्थिति होगी एक मेजर अर्थक्वेक ने अगर यहाँ इम्पैक्ट किया तो वो बहुत हाई होगी, और ये बहुत हद तक ट्रूथफुल मतलब ये ट्रूथ है एक्चुअली। तो इसको निपटने के लिए एक अवेयरनेस की जरूरत है, और जैसे मीना जी ने कहा ना, देर हैज टू बी लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम लाइक इंजीनियर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट एजेंसीज, तो एक नॉलेज बेस तो होता ही है कि जिस चीज के बारे में हमारी जानकारी होती है तो वी आर मोर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो देर हैज टू बी अ गुड कोऑपरेशन बिटवीन ऑल एजेंसीज, लाइक डिफरेंट इंजीनियरिंग लेवल, डिफरेंट साइंस के नॉलेजेस को वी हैव टू ब्रिंग टुगेदर टू मेक इट लाइक अवेलेबल टू पीपल। कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इसमें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स तो हो रहे हैं जी, पर वो एडवांसमेंट ज्यादातर एक कॉस्ट के अगेंस्ट ही मतलब मुहैया कराए जा सकते हैं, वो जो कि इट्स नॉट वेरी लाइक ईजी, हर कोई उसको नहीं करेगा। जहां पर हम बात कर रहे हैं कॉस्ट की, अगर एक गरीब आदमी मकान बना रहा है जो कि प्राइमरी लाइक डेंजर के लिए रेस्पॉन्सिबल हो रहे हैं आजकल, तो अगर उसे लग रहा है कि अगर उसका 20 लाख का मकान बन रहा है और उसको इंजीनियर कंसल्ट करने में या टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट्स हैं उनको अपने मकान में इनकॉर्पोरेट करने का, एंड उसकी कॉस्ट अगर 4-5 लाख रुपए बढ़ गई, तो मुझे लगता है कि ही विल गो फॉर द ऑल्टरनेट वे, वो अर्थक्वेक के लिए बिल्कुल अर्थक्वेक को भुगत लेगा, पर वो उस 5,000 कॉस्ट, इंक्रीज कॉस्ट को नहीं भुगतना पसंद करेगा। तो दोज थिंग्स हैव टू बी ब्रॉट इन टुगेदर, एंड पॉलिसीज हैव टू बी, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी रीवर्क्ड ऑन दैट सेंस एंड रीथॉट। मीना जी, एक सवाल ये था कि जो बात अभी तेजपाल जी कह रहे थे, अवेयरनेस के लिहाज से अगर सारी चीज को जोड़ लिया जाए, अवेयरनेस के लिहाज से हम लोग कहाँ खड़े हैं अभी? देखिए, अवेयरनेस के लिए लोगों में पहले की बजाय तो अवेयरनेस काफ़ी बढ़ा है, और इसके लिए एनडीए में भी हम भी मॉक एक्सरसाइज वगैरह करवाते रहते हैं, मॉक ड्रिल करवाते हैं, हमारे ट्विटर के थ्रू भी हम डूज एंड डोंट्स भेजते रहते हैं, एयर इंडिया अपने सॉरी ऑल इंडिया रेडियो और डीडी न्यूज़ के थ्रू भी हम ये सारी न्यूज़ वगैरह है वो उसमें हम डूज एंड डोंट्स वो करते रहते हैं, और लोगों में परसेप्शन बढ़ाया। बट जैसा कि डॉक्टर तेजपाल सिंह जी ने बताया कि हमें परसेप्शन, रिस्क परसेप्शन है, उसमें क्या है कि उस लोगों में जागरूक करना बहुत जरूरी है। जैसे कि अब लोगों को ये लगना चाहिए कि जो भी कर रहे हैं दैट इज फॉर सिटीजन ओनली। जैसे कि आप देखिए कि जो हेलमेट वगैरह है वो उसके लिए लगता है कि हेलमेट, जब देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल पे
तो वो एक्चुअली पुलिस वाले को देख के हेलमेट यूज करते हैं और ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस करते हैं, फिर वो हेलमेट निकाल देते हैं। उनको लगता है कि वो सिक्योरिटी उनके उनके अब जो समझेंगे वो उनकी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए है, तो ऑटोमेटिकली फिर सेम उसमें फिर बिल्डिंग का इस्तेमाल चालान से बचने के लिए है, जान बचने के लिए, ये वाली फीलिंग अभी आई नहीं। राइट, तो उसी टाइप का परसेप्शन अगर जनरेट होगा कि ये हमारे लिए ही है, कि जो बिल्डिंग बायलॉज बने हैं, जो कोड्स वगैरह बनाए हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड बनाया, उनको बाईपास नहीं करे, वो एक्चुअली बनाए हैं तो हमारे लिए बनाए हैं, हमारी सेफ्टी के लिए बनाए हैं। हो सकता है कि हमारे जनरेशन अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस ना करे, बट नेक्स्ट जनरेशन आपके कोई भी नहीं चाहेगा कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन है वो अर्थक्वेक वो रिस्क में, ऐसे कि आप जो मकान बना रहे हो वो डैमेज हो। तो उस टाइप का है कि धीरे धीरे रिस्क परसेप्शन बढ़ भी रहा है, और अवेयरनेस के लिए ऐसे गवर्नमेंट एजेंसी सब कुछ ऐसे उसमें लगे हुए हैं कि किस टाइप में लोगों में अवेयरनेस जागरूकता बढ़ाएं, और बढ़ भी रहा है लोगों में, इस टाइप की जागरूकता बढ़ी है। तो ये ऐसा एक सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए, लोग खुद अपने आप जाके बात करें म्यूनसिपल इंजीनियर से, उनसे कि भाई मुझे घर बनाना है तो मुझे घर बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो उनको अच्छे से सारी चीज़ें बताएंगे, और जो भी रूल्स हैं उनको बाईपास नहीं करें, क्योंकि जो बायलॉज बनाए हैं वो उनके इंप्लीमेंटेशन के लिए बनाए हैं, ताकि एनफोर्स करें उनको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो बिल्डिंग सेफ होगी, और बिल्डिंग सेफ है तो अपनी लाइफ भी सेफ रहेगी। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है ना, रूल बाईपास ना करें, ये तो हम हर चीज़ में कहते हैं, वो तो चाहे पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करने से लेकर हर चीज के लिए कि रूल बाईपास ना करें, लेकिन वही बात है कि उसको उतनी गंभीरता से लिया कैसे जाएगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ये चर्चा जारी है, बेहद दिलचस्प और बहुत ही जानकारी उस लिहाज से जो जिंदगी बचा सकती है वो हम जान रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।